भाई लोग, जैसे मैं सुबह उठा और भाई मैंने टाइम देखा तो भाई साहब साइड कर लो इनको थोड़ा सा। भाई लोग अभी लगभग शाम के 9:30 बज रहे हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ मैं और डीएस भाई साहब। गुड आफ्टरनून भाई लोग, क्या हालचाल। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ बद्दी नालागढ़ रोड पे और मैं आज बहुत ही खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मेरे साथ डीएस भाई जा रहे हैं और भाई आज घर से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने सोचा भाई आज ऑन द वे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई आप लोग भी एक जगह देख देख के बोर हो जाते हैं। तो अभी मैं मिलाता हूँ डीएस भाई से। हेलो डीएस भाई, हाय, क्या हाल है भाई? तो भाई एक्साइटेड हो आप भी आज नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए? तो भाई अभी हम चलते हैं, यहाँ पे रही भाई अपनी लाडो और चलते हैं, फिर करते हैं आपसे चलते हुए बातें। तो भाई लोग यहाँ से हम अपनी राइड स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ की लोकेशन देखोगे तो भाई काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। चलो अब अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे जोर से हर हर महादेव और बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आज भाई मैंने ऑन द वे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि भाई घर से आज ब्लॉग करने का ज़रा सा भी मूड नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि फिर डीएस भाई ने बोला मेरे को कि चल आज ऑन द वे ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ले। तो फिर मैंने भाई आज अपना ब्लॉग ऑन द वे स्टार्ट किया। वीडियो बनाने का ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा मेरा आजकल, 1% भी मूड बिल्कुल ऑफ था सुबह से। आज भाई लोग सुबह से ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने सोचा चलो आज ऑन द वे ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम की बात की जाए तो भाई टाइम अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं के पहाड़ी राइडर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो भाई अब बढ़ रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई लोग अभी हम नालागढ़ की तरफ जा रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन भी उसी साइड है। भाई लोग जैसे मैं सुबह उठा और भाई मैंने टाइम देखा तो मेरे मुंह से निकला ओ शिट। टाइम तो भाई निकल चुका था उस टाइम मेरे हाथ से क्योंकि भाई मैं आज सो के 10 बजे उठाऊँ भाई 10 बजे। और फिर मैंने सोचा कि भाई आज वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर जैसे तैसे करके थोड़ा सा अपने आप को चार्ज किया। और एके फैमिली के लिए भाई खुशी की बात बता दूं तो आज हमारी एके फैमिली ने 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस एके फैमिली। आज मैं डीएस भाई को एक सजेशन दे रहा था कि भाई अपना भी ब्लॉग चैनल ओपन कर लो, साथ में जाते तो हैं तो ब्लॉग बना लिया करो, देखते हैं कि डीएस भाई का क्या मूड बनता है ब्लॉग करने का या चैनल क्रिएट करने का। जैसा भी रहेगा तो भाई आपको अपडेट मिल जाएगा। जब से मैं बद्दी से निकला हूँ तब से लेकर मेरे को काफ़ी मिलिट्री के ट्रक्स देखने को मिल रहे हैं। पहुँच गए हैं नालागढ़ और जो आपने लास्ट वाली वीडियो की लोकेशन देखी है तो भाई वो नालागढ़ की थी। लोग आप लोगों से मेरे को छोटी सी नाराज़गी है, आप लोग भाई वीडियो देख के जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को। ठीक है भाई नालागढ़ में और यहाँ से भाई हम लेफ्ट में है मेरे ऊना के लिए रास्ता और हम इस सीधे वाले रोड से आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। लोग यहाँ से हम जाएँगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ और रामशहर कुनियार वाला रोड आई है से भाई शिमला है 102 किलोमीटर। भाई लोग अगर आपने मेरी नालागढ़ फोर्ट वाली वीडियो देखी होगी, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो भाई जानते होंगे कि मैं इसी रास्ते से गया था नालागढ़ फोर्ट के लिए और आज भी भाई हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हम अपने डेस्टिनेशन के लिए बिल्कुल राइट वे ले लेंगे। तो भाई लोग अभी हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारे डेस्टिनेशन का रास्ता और यहाँ पे भाई एक दरगाह भी बना हुआ है नालागढ़ में। ये भाई साहब साइड कर लो इनको थोड़ा सा, हट जा साइड है नहीं तो लग जाएगी रे बाबा। अच्छा माहौल लग रहा है मेरे को इस साइड में, अभी पहली बार जा रहा हूँ और आज आपको भी बहुत ही खूबसूरत जगह के दर्शन होने वाले हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको सच बता दूं तो भाई हम जा रहे हैं नालागढ़ तारा देवी टेम्पल और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा हूँ और
आपको अगर रोड देख के अंदाज़ा हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो सेम शिवला वाली जो तारा देवी जी का टेंपल है वो सेम भाई सही रोड है, वहाँ पे भी अगर आप कर्व देख रहे होगे, भाई साहब क्या लोकेशन है, ओए होए होए होए, थोड़ा थोड़ा भाई साहब मेरा माइंड फ्रेश हो रहा है इस लोकेशन को देख के। रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है भाई साहब, यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक हो ना और आगे से गाड़ी वगैरह ना आए तो भाई यहाँ पे लीनिंग का जो मज़ा आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल मज़ा होगा। यहाँ के लोग तो भाई बिल्कुल जन्नत में रहते हैं। ये बड़े पहाड़ है भाई साहब इस साइड, ऐसा लग रहा है भाई हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। हमारी मेन डेस्टिनेशन के लिए रास्ता स्टार्ट हो गया है और मंदिर जाने का रास्ता 300 मीटर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन तारा देवी मंदिर जय माता दी। तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। चलो भाई जय कर अशरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये छोटे छोटे फूल और बीच में छोटा नैरो सा रास्ता। भाई लोग बहुत ही कम लोगों को पता होगा इस लोकेशन के बारे में, और फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, आप अपनी गाड़ी वगैरह भी ला सकते हो, फोर व्हीकल वगैरह। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, यानी अपनी लाडो रानी को, और आप सामने की लोकेशन देखोगे तो भाई बहुत ही प्यारी लोकेशन है, शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा। और यहाँ पे है भाई मंदिर, तो अब चलते हैं मंदिर में। भाई लोग अभी हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे और अब चलते हैं माँ माई के दर्शन करने के लिए। आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई मंदिर के अंदर की वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो जितना हो पाएगा उतना भाई शूट करूँगा, उसी से भाई आप लोगों को भी काम चलाना पड़ेगा, और मैं तो भाई अपनी आँखों से देख लूँगा। तो अब चलते हैं अंदर, माँ माई के दर्शन करते हैं। सो भाई लोग अभी हमने महामाई के दर्शन कर लिए, और भाई यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और हमें टोक दिया गया है कि भाई यहाँ पे वीडियो वगैरह मत बनाओ, यहाँ से जो भाई नज़ारा है वो नज़ारा आप इंजॉय करो। सो भाई लोग यहाँ से आप देखोगे तो भाई पूरा नालागढ़ दिखता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से आप देख रहे होंगे तो भाई बिल्कुल पूरा नालागढ़ दिख रहा है यहाँ से, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो भाई लोग अभी हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के बाहर और यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अपनी लाडो खड़ी है। और अगर भाई लोग मैं सच्ची बोलूँ तो ऐसी जगह पे वीडियो शूट करना अलाउ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे धार्मिक स्थल को मतलब सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। तो उन्होंने अच्छा किया हुआ कि भाई यहाँ पे बंद किया हुआ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे धार्मिक स्थल पे आओ, वीडियो वगैरह शूट ना करो, और जितना हो सकता है आप अगर आप शूट करना भी चाहते हैं तो बाहर का थोड़ा मतलब शॉट्स वगैरह लेके, बाकी आप ऐसे जनरली बता सकते हो। तो भाई अभी हम चलते हैं। और अगर मेरे राइट में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टोन है और नीचे में स्टोरेज बनाया जा रहा है पानी के लिए। तो भाई लोग अभी लगभग शाम के 9:30 बज रहे हैं, और आज पहली बार ऐसा हुआ मैं और डीएस भाई साथ में डिनर कर रहे हैं। तो आज खाने में भाई बना हुआ है चपाती और सब्जी, कोफ्ते और आलू। डीएस भाई से खाने का रिव्यू लेते हैं कि कैसा बना हुआ खाना। भाई कैसा बना हुआ, करो ज़रा टेस्ट, जानते हैं भाई कैसा बना हुआ। अरे भाई बोल दे कैसा बना। लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया, थैंक यू भाई, हमने बहुत ही प्यार और मेहनत से बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा है भाई। अच्छा बनाए, थैंक यू सो मच। ये वाली वीडियो भी यहीं पे क्लोज करते हैं, और भाई लोग अब हम खाते हैं खाना। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो भाई वीडियो को करना लाइक, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को करना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो फॉलो मी इंस्टाग्राम। और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल, बाय बाय।
और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, आप भी बोल दो, ये लोग तो मेरी सुनते नहीं, मैं बोल बोल के थक गया भाई। के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ज्यादा हो सकता है तो शेयर जरूर करना। चलो भाई, मिलते हैं अब नई लोकेशन पे। बाय बाय।